बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास 12 एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस होगा और वो है टॉर्क ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, अब तक हमने इसमें बहुत कुछ पढ़ लिया। इस चैप्टर में हमने फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पढ़ लिया व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ लिया व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया कि चार्ज पार्टिकल को अगर हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में इकट्ठे अगर हम डालें तो उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, उन फोर्सेस को हम लॉरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम आते हैं इसके बाद, इनके बेसिस पर हमने CRO एक उनकी एप्लीकेशन पढ़ी, कैथोड ऑसिलोस्कोप को देख लिया। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे कि अगर ये कंडक्टर जो है इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इंस्टेड अगर ये स्ट्रेट वायर नहीं है बल्कि एक कॉयल के फॉर्म में है, यानी कि अगर कॉयल मींस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ वायर, अगर कंडक्टर एक स्ट्रेट वायर ना हो बल्कि वो एक स्क्वेयर पीस ऑफ वायर हो, ऑब्वियसली इट मस्ट बी हैविंग टू एंड्स, ये उसके दो एंड होंगे। किसी तार से ही आप इस तरह का शेप बना सकते हैं ना, रेक्टेंगुलर शेप। तो अगर हम ऐसा कोई कंडक्टर लें, करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि ऐसा कंडक्टर लेके या पीस ऑफ वायर लेके उसमें करंट पास करा दें और फिर हम उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो क्या होगा। ठीक है, एज अ टॉपिक इज सजेस्टिंग कि उसमें टॉर्क डेवलप होगा। टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट। तो लेट्स सी हाउ डज दैट हैपन। देखें, अब आपके पास ये कंडक्टर है, ठीक है, इट इज़ अ पीस ऑफ वायर विच इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सपोज नॉर्थ to south like this. These are the two magnets whose opposite poles are facing each other such that the space in between them is has uniform magnetic field. ठीक है, और कैसी magnetic field है इनके दरमियान में? There is this north to south uniform magnetic field setup. ठीक है, तो अब we see that कि इस uniform magnetic field में अगर हम ऐसा current flow कराएँ कि इस branch में जो है करंट इज़ फ्लोइंग अप एंड ये इस तरह से फ्लो करते हुए इस ब्रांच में वो डाउन आ रहा हो, ये मूवमेंट हो करंट की। ठीक है, सपोज़ हमने यहाँ पे सेल लगा दिया, सेल कनेक्ट कर दिया, तो जिससे इस तरह का करंट फ्लो कर रहा है इन दिस कंडक्टर। और अगर हम इस कंडक्टर को नेम दे दें जैसे आपके बुक में दिया हुआ है, तो इट इज़ ABCD। ठीक है, वो आप कोई भी नेमिंग दे सकते हैं, मैं बुक के मुताबिक इसलिए दे रही हूँ कि आप नॉर्मली बच्चे बुक को कंसल्ट करते हैं तो दे शुड नॉट बी कंफ्यूज। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि अगर मैंने ये ABCD नाम दे दिया और ये एक मैंने कंडक्टर ले लिया जिसकी कि लेंथ जो है वो कैपिटल L है। अब हमने ये पढ़ा है हमारे पुराने जो प्रीवियस आर्टिकल्स हमने इस चैप्टर के पढ़े हैं उसके मुताबिक, अगर इफ़ इट इज़ अ स्ट्रेट वायर having length L, ठीक है, तो अगर हमने उसको having current I, ठीक है, किसी uniform magnetic field B में place कर दिया तो it experiences a force, magnetic force which is equal to ILB sine theta. This theta is the angle between the conductor's length and the magnetic field. और ये कब आपके इस conductor के ऊपर maximum force act होगा? जब थीटा, यानी कि साइन थीटा इज़ वन। साइन थीटा कब वन होगा? जब थीटा इज़ 90 degrees, यानी कि साइन 90 जो है वो वन होता है, उस वक्त आपके पास जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा कंडक्टर पे वो ILB के बराबर होगा बिकॉज साइन 90 इज़ वन। तो ये हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर होता है इफ़ इट्स लेंथ इज़ L। तो हियर वी सी दैट कि अगर हमने ये रेक्टेंगुलर कॉइल हमने क्यों ली, ताकि हम इसके हर ब्रांच को एक सिंगल स्ट्रेट पीस ऑफ वायर और स्ट्रेट कंडक्टर कंसीडर कर सकें। ठीक है, और हम इस फॉर्मूले को उसमें अप्लाई कर सकें। यू सी, ये थीटा मैंने कब बताया कि जब एल और बी के दरमियान में 90 degree एंगल हो। ठीक है, तो वी सी दैट, और ये हमने पहले पढ़ा हुआ है सारी इसकी डिटेल। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई कंडक्टर इस तरह से प्लेस है तो हम ये देखते हैं कि अगर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है तो हमारा राइट हैंड पाम रूल हमें इसमें द फोर्स एक्टिंग ऑन दीज ब्रांचेस जो है वो बताएगा। तो लेट्स सी कि हर ब्रांच में किस तरह की फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो इसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं AB ब्रांच में। ठीक है,
ए बी ब्रांच में या सी डी ब्रांच में किस तरह का फोर्स एक्ट करेगा। तो वी सी दैट कि सी डी में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका ये डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का भी सेम डायरेक्शन है। हालांकि यहाँ हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब एल और बी जो है वो या आई और बी जो है दे आर एट 90 डिग्रीज पर पेंडिकुलर में हों। अब देखें यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो हैं इनके दरमियान एंगल 90 नहीं है बल्कि सी डी और ए बी ब्रांच के लिए एंगल बिटवीन एंगल थीटा इज ज़ीरो फॉर एंगल फॉर सी डी ब्रांच एंड सॉरी आई शुड से ये मैं दोबारा लिख देती हूँ कि ए बी और सी डी के लिए क्या किस तरह से सिचुएशन है। एफ इज इक्वल टू इन ए बी वी सी दैट इन ए बी एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ज़ीरो बिकॉज ज़ीरो और यू कैन सी के सी डी इज पैरेलल टू या ए बी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ए बी यानी कि एल एंड योर या कह लें कि आई करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड एंगल बिटवीन बी इज ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है ज़ीरो यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन दीज कंडक्टर्स इन ऑन दीज ब्रांचेज ऑफ दिस कंडक्टर ए बी एंड सी डी इज ज़ीरो। ठीक है, ए बी और सी डी दोनों के लिए एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द बी इज एक्चुअली ज़ीरो। तो ये दोनों ब्रांचेज में नो फ्लो ऑफ नो फोर्स वुड बी एग्जर्टेड। रह गई ब्रांचेज अब कौन कौन सी यानी कि ए और बी पे भी फोर्स ज़ीरो है और सी डी में भी ज़ीरो है। अब हमारे पास ब्रांच रह गई हैं बी सी एंड ए डी। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। अब लेट्स सी के बी सी में क्या हो रहा है। इन ब्रांच बी सी करंट फ्लो इज़ अपवर्ड, राइट हैंड पाम रूल इज़ टेलिंग अस के फिंगर्स हमारी बी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करती हैं, थंब इज़ पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो पाम is pointing या perpendicular to the palm direction is actually into the board। ठीक है, यानी कि force exerted on this branch BC या CB कह लें तो force क्या है, force is into the board। ठीक है, force exerted is actually into the board। जबकि हम अगर AD branch देखें, however in AD अब यही पाम रूल जो है, अब हमने इसको इस तरह से करना है क्योंकि दिस थंब इज़ पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, इट इज़ फ्लोइंग डाउनवर्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो पाम इज़ पॉइंटिंग या परपेंडिकुलर टू द पाम, पाम इज़ द सरफेस, इसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू इट ली जाएगी। दैट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर, तो वो है आउटवर्ड टू द बोर्ड। ठीक है, तो एफ इज़ आउट ऑफ द बोर्ड कह लें। ठीक है ना, तो वी सी दैट कि हमारे पास इन दो ब्रांचेस में अगर ये मैं इन टू द बोर्ड कहूँ और इसको मैं आउट ऑफ द बोर्ड कहूँ तो ये दो परपेंडिकुलर फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड इसलिए कि देखें क्या इनके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। ये जो एफ होगा इट वुड बी आई एल बी साइन थीटा इज 90 डिग्री, तो साइन थीटा इज 90 तो साइन 90 इज 1। यू सी कि सब 90 डिग्रीज पे हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड भी और करंट भी, तो एफ भी जो है वो 90 डिग्री पे आपको मिल रहा है और ये मैक्सिमम फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है इट इज़ आई एल बी, जो यहाँ पे भी आई एल बी है क्योंकि आई सेम है, एल बी लेंथ ऑफ द कंडक्टर सेम है और बी भी जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ब्रांच बी सी में भी यही फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ब्रांच ए डी में भी यही फोर्स एक्ट कर रहा होगा, मीन्स ये मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन इज़ जस्ट अपोजिट, एक में इन टू द बोर्ड है और एक में आउट ऑफ द बोर्ड है। दैट मीन्स के देर आर कपल ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि कपल ऑफ फोर्सेस इज एक्टिंग। ठीक है, यानी इस ब्रांच में कपल, कपल मींस पेयर ऑफ फोर्सेस और अपोजिट फोर्सेस, इस तरह से कि डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट, मैग्नीट्यूड इज सेम, तो कपल ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दीज टू अपोजिट ब्रांचेस ड्यू टू विच व्हाट इज हैपनिंग देयर इज अ टर्निंग इफेक्ट डेवलप्ड। ये फोर्स उसको इन टू द बोर्ड टर्न कर रहा है, यहाँ पे ये वाले कंडक्टर को या ये वाली ब्रांच को कंडक्टर के फोर्स जो है इट इज़ टर्निंग इट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन टू दैट ऑफ द बोर्ड। ये सिचुएशन इस तरह से है कि ये अगर मेरा मोबाइल है, बल्कि किताब ले लेते हैं कोई सी, ये मेरे पास कॉपी है। ठीक है, ये इसका बाउंड पार्ट है, ये इसका ओपन पार्ट है। यू कैन डिफ्रेंशिएट कि ये वाली ब्रांच में अगर इन टू द बोर्ड फोर्स लग रहा है और इसमें आउटवर्ड, तो ये सिचुएशन मैंने ऐसे रखी हुई है। इनिशियली क्या है कि योर रेक्टेंगुलर कॉयल इज एक्चुअली प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लेफ्ट टू राइट नज़र आ रही है
और जो कॉयल है इट इज़ प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. उस सिचुएशन में वी सी दैट कि इन दो ब्रांचेस में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, इट इज़ ज़ीरो बिकॉज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और यू कैन से द करंट बोथ आर एट ज़ीरो डिग्रीज विद द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. तो नो फोर्स एक्टिंग ऑन दीज टू ब्रांचेस. इस ब्रांच में इन टू द फोर बोर्ड लग रहा है फोर्स, इसमें आउटवर्ड, तो ड्यू टू विच देर इज़ अ टर्निंग इफेक्ट विच डेवलप्स. ठीक है, तो इस टर्निंग इफेक्ट, ये जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है ड्यू टू द कपल ऑफ फोर्सेज, मतलब दो फोर्सेज की वजह से ये हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू द कपल एक्टिंग ऑन दिस कॉयल विल बी हाउ मच. इट इज़ एक्चुअली यू सी के आई आई एल बी. ठीक है, एंड बल्कि मैं इसको लिख लेती हूँ आई एल बी लिखने से पहले. टर्निंग इफेक्ट और ड्यू टू द कपल है तो उसका क्या फार्मूला था, इट वाज़ द फोर्स एग्जर्टेड मल्टीप्लाइड बाय द कपल आर्म. लिखना चाहिए मुझे क्योंकि यहाँ पे कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से टर्निंग इफेक्ट डेवलप हो रही है. ठीक है, तो फोर्स तो एफ हो गया, एंड बल्कि एफ जो है वो हमने पढ़ा है कि इट इज़ इक्वल टू आई एल बी, तो ये मैं इसको आई एल बी लिख दूँगी. वॉट इज़ द कपल आर्म हेयर, यू नो कपल आर्म इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द कंडक्टर. ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान की जो डिस्टेंस है इट इज़ सपोज टेकन एज ए, स्मॉल ए. ठीक है ना, तो ये मैं कपल आर्म लिख लेती हूँ स्मॉल ए. तो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो कॉयल है ये रेक्टेंगुलर कॉयल है, मीन्स इसकी लेंथ एल है, और ये इसकी ब्रेड्थ है या डिफरेंट इसकी लेंथ, ये वाली लेंथ डिफरेंट है एंड इट इज़ स्मॉल ए सपोज. ठीक है, और हमने इनिशियली क्या किया था, इनिशियली द कॉयल या रेक्टेंगुलर कॉयल इज़ प्लेस्ड पैरेलल टू बी मैग्नेटिक फील्ड, इनिशियली इस तरह रखा था, तो उसकी वजह से ए बी और सी डी में नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और बी सी और ए डी में देर इज़ दिस मच मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम. ठीक है, बट दे आर ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू विच अ टर्निंग इफेक्ट इज़ डेवलप्ड एंड दीज टू फोर्सेज आर फॉर्मिंग द कपल हियर, और टॉर्क ड्यू टू कपल इज़ एफ इन टू कपल आर्म, और ये जो ए है ये कपल आर्म है, दिस ये एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, दिस इज अनदर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज दिस, हियर इज दिस, दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज़ अ कपल आर्म, दैट इज़ स्मॉल ए. अब इसको मैं अगर थोड़ा सा चेंज कर लूँ, इसकी जो राइटिंग मैंने लिखी है इसको एल ए लिख लूँ, तो दिस एल ए इज़ वॉट, एल मल्टीप्लाइड बाई ए, तो दिस इज़ लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ एक्चुअली द एरिया. आई गेट हियर दिस एज एरिया. तो ये मैं लिख देती हूँ कि टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू द कपल ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस टर्निंग ऑन दिस रेक्टेंगुलर कॉयल इज इक्वल टू आई बी ए. ठीक है, अब यहाँ पे एक सीन ये है कि अगर हम देखें तो ये जो प्लेन ऑफ द कॉयल है जो मैंने इनिशियली बताया आपको कि इज़ एक्चुअली पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, दैट मींस कि अगर मैं ये एंगल एक अल्फा एंगल ले लूँ, विच इज़ द एंगल, दिस इज़ द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉयल एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो वी सी दैट कि जब ये अल्फा ज़ीरो है, यानी कि एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉयल, यानी प्लेन ऑफ द कॉयल और मैग्नेटिक फील्ड्स पैरेलल हैं, अगर आप कह लें कि एंगल ज़ीरो है, अल्फा इज़ ज़ीरो, तो हमें एक टर्निंग इफेक्ट मिल रहा है वो है आई बी ए के बराबर. ठीक है, और अगर हम इसको परपेंडिकुलर रख देते हैं रेक्टेंगुलर कॉयल को, यानी कि प्लेन ऑफ द कॉयल इज़ मेकिंग एन एंगल 90 डिग्रीज विद द मैग्नेटिक फील्ड, so then we see that there is no torque acting on the body. ठीक है, तो हमारे पास ये expression जो है ये थोड़ा सा modify होके आ जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं this would be torque is equal to I B A cos alpha. ठीक है, तो ये हमें एक complete turning effect developed in a current carrying coil
का फार्मूला दे रहा है वो इस तरह से कि अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉयल एंड बी, इफ़ इट इज़ ज़ीरो मीन्स के कॉयल का प्लेन जो है वो यानी कि प्लेन एरिया उसका मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो आई बी ए मैक्सिमम टॉर्क है, और अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो प्रैक्टिकली इट इज़ सीन कि देर इज़ नो टर्निंग इफेक्ट डेवलप्ड, तो हमें उस सीन में तो जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है दैट टेल्स अस के वहाँ पर फिर कॉस 90 होगा और कॉस 90 विल गिव यू द ज़ीरो वैल्यू, तो टर्निंग इफेक्ट विल बी ज़ीरो इन दैट केस, ठीक है। तो यानी कि जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है इट हैज़ लेड अस फ्रॉम दिस फार्मूला ऑफ टॉर्क ऑफ द कपल इज इक्वल टू आई बी ए टू आई बी ए कॉस एल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ पे आप को मैं बताना बेहतर समझूंगी इस तरह से भी कि कुछ जगहों पे और बल्कि ज़्यादातर जगहों पे ये टॉ इज इक्वल टू आई बी ए साइन अल्फ़ा पढ़ेंगे आप, साइन अल्फ़ा लिखा होगा। तो वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट एंड दिस कि ये राइट है कि वो राइट है, तो बात यह है कि दोनों राइट हैं, लेकिन जब आप साइन अल्फ़ा की बात करते हैं तब आप एंगल ये जो अल्फ़ा है इट इज़ नॉट द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉयल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द कॉयल नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉयल एंड बी, ठीक है। तब वो वेक्टर एरिया और वेक्टर एरिया यानी कि जो एरिया है आपके उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसके दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान हम वो एंगल लेते हैं, तो वो जस्ट इससे रिवर्स सिचुएशन हो जाती है और हम साइन फंक्शन यूज़ करके उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो जब हम अल्फ़ा एंगल विद कॉस अल्फ़ा यूज़ कर रहे हैं फार्मूला तो इट इज़ द एंगल दिस अल्फ़ा इज़ एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल, ठीक है। जब हम इसको साइन अल्फ़ा यूज़ करेंगे अगर आई बी ए साइन अल्फ़ा है टॉर्क इज़ इक्वल टू, तो तब हम कहेंगे कि देन एट दैट टाइम अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया मीन्स नॉर्मल टू द प्लेन, वो जस्ट रिवर्स सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। तो यही एंड दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग वी सी दैट कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो स्ट्रेट वायर के फॉर्म में होता है अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो इट स्टार्ट्स मूविंग इन वन अदर डायरेक्शन, उसी तरह अगर हमने उस सिंपल स्ट्रेट वायर को एक्सटेंड करके एक रेक्टेंगुलर कॉयल में बदल दिया तो हम देखते हैं कि उसमें मूवमेंट तो हो रही है लेकिन वो किस तरह की होगी, टर्निंग मूवमेंट होगी, टर्निंग इफेक्ट डेवलप होगा, और यही प्रिंसिपल है आगे हम पढ़ने जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर को उसके कंस्ट्रक्शन में यही प्रिंसिपल यूज़ होगा एंड दैट इज़ टॉर्क इज इक्वल टू आई बी ए कॉस अल्फा। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा। अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा, फिजिक्स पेज चैनल को याद रखिएगा, उसमें गैल्वेनोमीटर को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।